छत की इलेक्ट्रिकल पाइपिंग कैसे करते हैं और बहुत ही कम पाइप यूज करके एक अच्छी सी पाइपिंग कैसे करें, ये देखने के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम एमडी हुसैन है और आप देख रहे हैं स्टार इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं, ये एक स्टोर रूम है, इसमें हमने चारों तरफ पाइप गिराया है ड्रॉप, ठीक है। और बस इसके जस्ट बगल में ये एक जो दिख रहा है ये एक बेडरूम है, तो इस बेडरूम में भी हमने चारों साइड में पाइप गिराया है, हाँ। और उसी के बगल में देखिए ये तीन साइड दिख रहा है पाइप, वो किचन के लिए है। और ये जो क्रॉस जा रहा है ना, ये इसकी सर्किट के लिए हमने पाइप ले गया है, उस रूम का और ये किचन का दोनों का सर्किट के लिए है, ठीक। और बस उसी से किचन वाले पाइप से आगे बढ़ते हैं तो ये हॉल है, हॉल में हमने डबल पाइप गिराया एम सी बी के तरफ, इसी तरफ में एम सी बी लगाना है, ठीक है। और ये हॉल में ही अटैच है, ओपन किचन है, इसलिए कि इसमें भी सर्किट हमने दे दिया, उससे भी आ सकता है या इधर डबल पाइप से भी आ सकता है। और ये जो पाइप जा रहा है पीछे, इस तरफ में भी एक बेडरूम है, तो उस बेडरूम के लिए हमने ले लिया है पाइप कि वो बेडरूम, यही वो बेडरूम है। इस बेडरूम से भी पाइप आगे जा रहा है, वो देखिए लंबा वाला भी पाइप दिख रहा ना, वही पाइप से होते हुए हॉल में जो डबल पाइपिंग दिखाया था मैंने, बस उसी पाइप से वहाँ एमसीबी के पास चला जाएगा। अब बचा मेन लाइन के लिए, तो मेन लाइन देखिए सीढ़ी की तरफ से, ये देखिए दिखा ना सीढ़ी, सीढ़ी की तरफ से हमने मेन लाइन लाया है। और मेन लाइन ला के ये देखिए दिख रहा आपका एमसीबी के लिए जो उस रूम का मैंने दिखाया था वो है, ठीक। और मेन लाइन हमने ला के एक इसके लिए गिराया, और जो बताया था कि स्टोर रूम है फर्स्ट में, तो एक स्टोर रूम के लिए भी उस तरफ में हमने ले गया है पाइप, क्योंकि उसका सर्किट अलग करना है, ठीक है। ये देखिए, तो यही वो मेन लाइन के लिए हमने लिया, इधर ड्रॉप गिराया, आगे में एक लाइट बॉक्स दिया है कि यहाँ पे सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे यहाँ पे एक लाइट बॉक्स हो गया है, ठीक है, कि सीढ़ी के पास भी लाइटिंग चाहिए तो सीलिंग में चाहिए, इसलिए यहाँ एक लाइट बॉक्स दे के। और आगे हमने ये देखिए सीधा पाइप जा रहा ना, आगे जाके ये कॉरिडोर है, उसके सामने में लिफ्ट है, लिफ्ट भी आपको दिखेगा अभी, ठीक है। तो ये आगे जाके जो ये बाएं साइड में गिर रहा पाइप, इससे तो आपका वो उस रूम का हॉल का किचन का सर्किट चला जाएगा। और जो आगे से जाके दाहिने साइड में गिर रहा, वो दाहिने साइड होके फिर बीम से होते हुए वो स्टोर रूम में जाएगा, क्योंकि उसका सर्किट अलग करना है, स्टोर को अलग करना है, और इसमें दो रूम और एक किचन एक बाथरूम, इसका सर्किट अलग करना है, ठीक है। तो यही है थोड़ा सा, क्योंकि घर मालिक का कहना था कि ज़्यादा पाइप नहीं लगाना है, जो भी लाइट पॉइंट या गीजर एसी जो भी है वो कोशिश करके दीवार में दीजिए, छत में ज़्यादा नहीं देना है पाइप, तो इसीलिए हमने छत में ज़्यादा पाइप नहीं लगाया है, खाली सर्किट के लिए दिया, क्योंकि सर्किट तो बहुत लंबा लंबा जाता है, कटिंग में बहुत लोग को दिक्कत होता है, फिर उसके अलावा बीम वीम भी आ जाता है, उसमें भी कटिंग में दिक्कत होता है, इसलिए हमने सिर्फ सर्किट के लिए ही पाइप गिराया है। तो आप भी ऐसा गिरा सकते हैं शॉर्टकट में बहुत कम पाइप लगा के, ठीक है। और ये जो दिख रहा छजा है, ये बाहर जाएगा लाइट, बाहर जाने के लिए लाइट हमने ये गिरा दिया है, क्योंकि ये छत आगे और जॉइंट होके आगे जाएगा, तो इसके लिए पाइप हमने डाल दिया, बाद में ये छजा तोड़ के और फिर आगे पॉइंट चला जाएगा उसी पाइप से। तो यही बीम से होते हुए, देखिए बीम के अंदर दिख रहा ना पाइप, यही बीम से होते हुए ये आपका स्टोर जो दिख रहा है दाहिने बाएं साइड में, ये स्टोर है, तो उसी में आपका जा रहा लाइन, और ये बाएं साइड में जो बताया हमने छजा है, वो छजा में चला जाएगा, छजा के लिए लाइन। और लिफ्ट जो बताया था फर्स्ट में कि लिफ्ट भी है आगे, तो यही वो लिफ्ट का जगह है, लेकिन लिफ्ट अभी
लगा नहीं है, अभी तो काम हो रहा है अभी, और इसमें दो फ्लोर जाना है। और मेरे इस चैनल में इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाली जाती है या डाली जाएगी, ठीक है। तो आप लोग को अगर ऐसा वीडियो देखने में अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आगे किस टॉपिक में वीडियो बनाया जाए। तो फिर मिलते हैं अगला किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।